ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सौरभ जी के पास जाऊंगी मैं। वीरेन जी, बड़ी स्थिति खराब है। स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि ना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रह गई, ना राज्यपाल के पद की गरिमा रह गई। राष्ट्रपति का भी जिसको मन चाहता जो कह देता है। विधानसभा में एक दौर मुझे वो याद आता है जब वेल में खड़ा होना बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। लोग पलट के देखा करते थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वेल में लोग खड़े हो गए। और मैंने अभी एक बात कही, मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देती हूँ रोहित जी, क्योंकि वो लाइन शायद मेरी सुन ना पाए। पहले चर्चा जो हुआ करती थी वो सदन में हुआ करती थी और विरोध सड़क पर हुआ करता था। अब सड़क पर चर्चा होती है और जो विरोध होता है वो सदन में होता है। ऐसा ना संविधान कहता है ना लोकतंत्र कहता है, क्यों आखिरकार ऐसा? काव्या जी, आज के दौर में जो स्थितियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जायज बात है। जिनमें आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, ये एक समय घोर कांग्रेसी हुआ करते थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आज की दौर में इन्होंने साहबानों वाला मुद्दा सर्वप्रथम यही उठाने वाले हैं। इनकी पार्टी ने इनकी बातों पर संवैधानिक रूप से ध्यान नहीं दिया, लड़ते 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 संघर्ष करते रहे। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में केरल के राज्यपाल बन गए हैं, अध्यात्म का ज्ञान बांटते हैं, टीवी चैनलों पर अध्यात्म का ज्ञान बांटते हैं, कुरान और महाभारत गीता पर एक कमांड रखते हैं। आज के दौर में जब एक केरल में बैठकर वहां भाषण अपना दौर कर रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहां के विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में अपना भाषण को पूरा करते हैं। परंतु जब वहां के मुख्यमंत्री द्वारा लिखित भाषण के सामने प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं, इन्होंने अंडरलाइन करते हुए कहा कि ये मेरे दिल की बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं माननीय मोहम्मद आरिफ खान से कहना चाहता हूं कि जब संवैधानिक रूप से ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा लोकतंत्र जानता है, भारतीय लोकतंत्र में बात है, तो उसे अंडरलाइन करके आप ये क्या जाहिर करना चाहते हैं कि हम भारतीय भारत के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में हैं, हम वही करेंगे जो भाजपा चाहेगी। हम निश्चित तौर से काव्या जी कहना चाहते हैं, ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब पार्टीगत राजनीति करेंगे, राज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट है, राज्यपाल किसी पार्टी का नेता नहीं होता है। और केरल की राजनीति में बैठकर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, जहां तक धनखड़ जी की बात रही, पश्चिम बंगाल में आज जो स्थितियां हैं आप उससे बखूबी परिचित हैं। भारत का लोकतंत्र का बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति मालूम है। ममता बनर्जी बहुत संघर्षशील हैं, जमीनी स्तर की नेता हैं, वहां की जनता के दिल दिल में वो निवास करती हैं, वहां की आवाज उठाती हैं, उनके संघर्षशील नेता हैं, उनके पैर में हवाई चप्पल और एक सूती साड़ी के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसे ईमानदारी पे मैं अनीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जब आए तो आप रखिए, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में अगर वहां के राज्यपाल के साथ किसी विश्वविद्यालय में अगर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ, तो निश्चित तौर से वहां का छात्र, वहां का समुदाय, वहां की जनता आरिफ मोहम्मद के लिए तो मंत्री जी कर रहे हैं। बच्ची कुछ धनखड़ जी की मैं आपको बता दूं, वो बेचारे राज्यपाल पद पर बैठे हैं, विधानसभा बुला रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं उनको, उसके बाद ताला लगा देते हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? आप मेहमान को घर पे बुला, घर पे ताला लगा देते हैं। काव्या जी, बेइज्जती बेइज्जती तो स्थितियां यही होंगी जब मना स्थितियां धनखड़ जी जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वो केंद्र के इशारों पर काम करते हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं, ना वो केंद्र के अधीन है ना वो किसी सत्ता के अधीन है, वो संविधान से जुड़े और हर राजनेता संविधान से बंधा हुआ है। समझाने वाली बात है। मैं काव्या जी बहुत संवैधानिक तरीके से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के वो प्रथम नागरिक होने के साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। और निश्चित तौर से धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से गलत है, अवमानना है, संवैधानिक पदों का उल्लंघन है। लेकिन निश्चित तौर से इसके अंदर आपको जाकर देखना होगा कि वहां के लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ अगर आप ऐसे बयानबाजी करते हैं व्यक्तिगत तौर से, तो इसका खामियाजा भी वहां की जनता जनार्दन चुनी हुई सरकार आपको देगी। और आपके पद की गरिमा का अनदेखी करते हुए वहां के लोग
जो आपकी अवमानना हो रही है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वहां पर बैठे हुए संवैधानिक रूप से राज्यपाल की भी निहित जिम्मेदारी। अनिता जी देखिए, इन्होंने तो अपना ज्ञान किया कि वो प्रतिनिधि है, जबकि सबको मालूम है संवैधानिक पद है, और जो आपको शायद अच्छे एडवोकेट है अच्छे से जानते होंगे, जब जज न्यायाधीश की शपथ भी देनी होती है तो राज्यपाल ही देते हैं, मंत्रियों को शपथ देनी होती है तो राज्यपाल ही देते हैं, यहाँ तक कि वो एक संवैधानिक पद एक राज्य का पहला नागरिक होता है, उसका मान सम्मान करना वहाँ के राज्य के हर व्यक्ति का काम है। अधिवक्ताओं ने आपस में अपनी बात रखी है, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि स्टाम्प होता है, राष्ट्रपति हो राज्यपाल हो, एक स्टाम्प के रूप में काम करता है, वही अनुमोदन वही करता है जो होना चाहिए। मैं अनिता जी, सौरभ जी आपने कहा कि स्टाम्प के तौर पर कार्य करते हैं, अब मेरी बात सुनिए, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, हम तो उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल गवर्नर वही कार्य करते हैं जो उसके ऊपर संवैधानिक रूप से उनको हमें भर आपके सत्ता पक्ष का गवर्नर होगी, जहाँ पे आपके सत्ता पक्ष का उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होती, केरल में पैदा होता, पश्चिम बंगाल पैदा होता, झारखंड में पैदा होता है, हर जो 25 सरकारों में बदलती है तो राज्यपाल नहीं बदलते, वो अपना 5 वर्ष का काल पूरा करते हैं, चाहे कोई सत्ता रही हो। ये आप गलत कहते हैं कि सत्ता के साथ होता है, अनिता जी जहाँ सत्ता पूरा 5 साल नहीं पूरा किए हैं, हमारे पास उदाहरण है, पूरे 5 साल तक वो रहते हैं, सरकार किसी की आए किसी की जाए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद एक संविधान के लिए होता है, जाते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन संवैधानिक बन जाता होगा, आप सरकार का प्रतिनिधि बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्टैम्प पे शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, आज आप लोग की ऐसी भाषा ही वहाँ पे बोली जा रही है, यही आप लोग की भाषा है, यही आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, यही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नफरत की फसल काट रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अनिता जी आप हैं। आज जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं 2014 से पहले नहीं होते थे, नफरत की फसल पर राजनीति करने वाली जिम्मेदारी आपकी है, और इस नफरत की फसल काटने में आप कामयाब नहीं हो गए। ये बताइए सिक्कों का कत्लेआम हुआ किसके उसमें हुआ? चलिए क्या कर रही थी? नहीं 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 सुनिए सुनिए सुनिए, चर्चा इतनी आपने बिल्कुल डिटेल बता दी, राज्यपाल की क्या पद होता है पूरी प्रोसेस लोगों को पता चल गई होगी, इस विषय पे मैं चर्चा नहीं कर रही, आज मैं संविधान के विषय पे चर्चा कर रोहित जी के पास जाऊंगी। रोहित जी, बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, मैंने अभी आपसे कहा कि वेल में जाना कोई सामान्य बात नहीं हुआ करती थी, और अब हर व्यक्ति वेल में ही खड़ा नजर आता है, और हर विषय पर वेल में खड़ा नजर आता है। देखिए काव्या जी, एक शिष्टाचार होता था और एक गरिमा होती थी हर पद की, जो 2014 के बाद बार बार तार तार हुई है, ये मानना पड़ेगा। हमने कभी 2014 से पहले हर बार बीजेपी ने करी है, हर बार बीजेपी ने करी है। अनिता जी, या तो सुन लीजिए, क्योंकि अब मुझे अभी आपका भी ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, अभी आप बता रही थी कि 5 साल तक राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शीला दीक्षित को हटाया था केरल के राज्यपाल के पद से, क्या आप भूल गई हैं? सरकार बनने के बाद शीला दीक्षित को आपने राज्यपाल के पद से किस तरीके से बर्खास्त किया था वो सबने देखा था। अनिता जी देखिए, यहाँ चैनल में बैठ के झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारा ज्ञान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान है, जो जनता से बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के अंदर डायलॉग ही नहीं करना चाहते हैं, आपको तो जब चेहरा दिखाया जाता है तो आप इसी तरीके से सीखते हैं, चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं होगा। अनिता जी आपको सच से कहीं ना कहीं सच से अपना चेहरा देखना पड़ेगा। कौन विरोध कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की स्थिति नहीं छोड़ी है, जब लोकतंत्र में लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बन गया तो उसका विरोध क्यों? अनिता जी, कानून का विरोध क्यों? भारतीय जनता पार्टी का कानून होगा तो भारतीय नहीं होगा, जनता लोकतंत्र नहीं चाहती, जनता की नहीं है, सीए पहले भी होता था, आज भी है, कोई
प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी, अरे प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन के अंदर अगर नोटबंदी का रिजल्ट नहीं दिखेगा तो जिस चौराहे पे जनता चाहेगी मैं आऊंगा। आज 2.5 साल बाद अर्थव्यवस्था टूट गई, 2.5 साल बाद अर्थव्यवस्था टूट गई। अरे मैडम कौन सी कमर की बात कर रही है, आप कहती है PFI ने 134 करोड़ रुपए खर्च कर दिया आंदोलन में और अब आप कह रही है आतंकवाद की कमर टूट गई। कौन सी कमर टूट गई, आप खुद ही कहते हैं पुलवामा हमला नोटबंदी के बाद हुआ था, कौन सी कमर टूट गई मैडम? बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुआ था आपने बदला लिया और चलिए तो आप क्या कर रही थी 6 साल से, आप 6 साल से इंतजार कर रही है दोबारा सरकार हमारी आ रही है, क्या कर रही है आप, क्या कर रही है बताइए, क्या था नहीं 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 6 साल से क्या कर रही है? देखिए चलिए 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 इस ब्रीफ केस को ना उठाओ, इस बैग को ना उठाओ, कहीं बम हो सकता है, कचहरी जाना मुश्किल, मंदिर जाना मुश्किल, रेल में बैठना मुश्किल, एयरपोर्ट में जाना मुश्किल, आज जगह जगह सुरक्षा हो गई है तो आज आप ये भाषा बोल रहे हो आतंकवाद का खात्मा हमारी पाया हमें तो ना लखनऊ में सुरक्षा दिख रहा है ना दिल्ली में सुरक्षा, हर जगह सुरक्षित हो चुका है, ना महिला सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित है, कौन सी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? नहीं 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 देखिए 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 कर रहे हैं जो की एक फिर के राजनीति में ही आ जाते हैं आप लोग, यही तो चिंता का विषय है, किसी भी विषय में चर्चा करो राजनीति जरूर आती है उसमें। चलिए मैं अब सौरभ जी के पास जाऊंगी, सौरभ जी थोड़ा शांत हैं आप? बिल्कुल शांत हैं। चलिए फिर चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। सौरभ जी बड़ी चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री का पद भी बड़ा बेहद संवेदनशील और बहुत सम्मानित पद है, आप बखूबी जानते हैं प्रधानमंत्री का वो पद होता है जो पूरे विश्व में आपके भारत की छवि को दिखाता है, वो चोर है, चाय वाला है, चाय वाला तो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है भाई काव्या जी निश्चित तौर से इस अमर्यादित बातों का अमर्यादित रूप से शब्दों का उच्चारण करने का शब्द कहने का निश्चित तौर से गलत संदेश जाता है और विश्व के धरातल पर जो भारतीय संस्कृति का एक सम्मान है अगर हम किसी मर्यादित या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ करते हैं तो उसकी संस्कृति का परचायक होता है। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं कि किसी प्रधानमंत्री या किसी राज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित रूप से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, मैं तो कह रही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, राहुल गांधी को भी कुछ भी कहने का अधिकार किसी को नहीं है, वो अलग बात है कि सदन में उन्होंने खुद को खुद पप्पू कहा था, उसके लिए एवरीवन नोज कि वो खुद जिम्मेदार है कि आज उनके नाम के आगे वो टैग उन्होंने खुद लगवा दिया, बाकी अगर उनको कोई कुछ कहता है तो फिर वो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है और निश्चित तौर से ये गलत है और इसका प्रयोग आम तौर से लाइफ में नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पप्पू प्रिया बन गया तो दूसरी बात है। आज के दौर में संवैधानिक रूप से कितनी अवमानना हो रही है भारतीय संविधान में, आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आए दिन इतनी हल्केपन की बातें करते हैं कि निश्चित तौर से जब देश में आज हम इस बात को मानते हैं कि यहाँ तो ठीक है, विदेशों में भी जाकर लोग प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में आरोप और प्रत्यारोप भारतीय समाज के दायरे में करें तो ठीक, लेकिन विदेशों में जाके कर रहे हैं निश्चित तौर से भारतीय सरकार के छवि धूमिल हो रही है। एक चीज और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री भी गलत तथ्य रखेंगे जनता के सामने तो ये भी कहीं ना कहीं दुखद है। आपकी बात बिल्कुल जायज है, अगर मैं कोई गलत तथ्य रख रही हूँ तो आप उस बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस विरोध के दौरान आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, उसके लिए भाषा जो है वो बहुत ऊंचा है होनी चाहिए, लेकिन भाषा यही भाषा भारतीय जनता पार्टी को भी याद करनी चाहिए किस तरीके से इन्होंने मनमोहन सिंह के लिए इन्होंने कोयले दलाली में मुंह काला और रेनकोट प्राइम मिनिस्टर हैं जो नहाते हैं रेनकोट पहन के, ये भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरीके से सोचना चाहिए, अपने गिरे बाल में झांककर भी देखना होगा। मैं वही कह रही नहीं नहीं अभी अनिता जी को ये समझा दिया है, जब आज आपको वापस मिल रहा है तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं तो फिर और आपको फर्क क्या हुआ? अनिता जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह के बारे में स्टैम्प कहा जाता था, सोनिया का स्टैम्प कहा जाता था, इसका भी तो आप सोच के आपने हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है जो आप गालियां देते हो हम गले का हार बनाते हैं और वही हार हमको जिताता है, हम तो चाहते हैं आप गालियां दीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं, नफरत की राजनीति करने वाली अनिता अग्रवाली इस चैनल के माध्यम से भारतीय समाज को क्या देना चाहती है, और मैं तो निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ नफरत की राजनीति करते हुए 8 तारीख के बाद शाहीन बाग होगा या नहीं होगा,
लेकिन इनकी किताबें कतल कर चुकी होगी, यही चाहती है इनके इनके वक्ताओं और प्रवक्ताओं का यही हाल है। देने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप देखिए देखिए अनीता जी फूल दो हम दोनों। नहीं 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 सुनिए सौरभ जी, जवाब मैं दे रही हूँ। हमारे भारत में कई प्रजाति के पुष्प मिलते हैं जिनकी मालाएं बनाई जा सकती हैं, तो आवश्यकता नहीं कि गाली की माला बनाई जाए। ये समझिए, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत सी चीजें माला बनाने के लिए, उसमें गाली की माला की आवश्यकता नहीं है। खुद कहा है कि जो गालियां लोग देते हैं, जो दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो आज उस तबके से आए, राजा का बेटा राजा नहीं है वो, उस तबके से आए जहाँ से उन्होंने देखा है क्या गरीबी होती है, क्या आम इंसानियत होती है। वो कहीं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए जैसे और लोग सोने का चम्मच लेके आ रहे हैं। चलिए, वो एक गरीब परिवार से आए हैं, हमदर्दी मालूम है, कहेंगे गोली मारो जनता, कार्रवाई हुई उन पर, कार्रवाई कर दी। देखिए नहीं, जिन पर कार्रवाई हो गई है, बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन कार्रवाई की गई है उन पर। कथन गिरा दिएंगे, कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये फसल नफरत की फसल है, तो क्या है ये? सौरभ जी आपको गिरिराज जी का बयान तो याद है, जिसकी वजह से पूरे देश में आग लग गई। इस कांग्रेस का बयान आपको याद ना आया? आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए, आप उस नारे को सुनिए क्या कहा है। अरे आप ठाकुर ने नहीं कहा है, जनता ने बोला है, वहाँ की जनता बोली। गद्दारों की सजा क्या है आप ही बता दे, आप ही बता दे गद्दारों की क्या सजा है, आप ही बोल दो गद्दारों की क्या सजा होनी चाहिए। लोकतंत्र में कहने का अधिकार है, सुनने का भी अधिकार दिया है भाई। आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट में खुलवाते हैं, ये आतंकवादियों को आप समर्थन करते रहे। लोकतंत्र में सुधार की जरूरत है, लोकतंत्र में सुधार की जरूरत है। खुलवाते हैं आतंकवादियों के लिए, कब तक मन की बात करेंगी, कब जनता के मन की बात सुनेंगी? हमेशा आतंकवादियों का सपोर्ट किया आपने, मन की बात सुननी पड़ेगी, अपने मन की बात करते करते जनता थक चुकी है, अर्थव्यवस्था डूब गई है, जीडीपी डूब गई है, महंगाई दर आज पर आठ करोड़ पे है, आपको समझना पड़ेगा मन की बात देखिए। सौरभ जी अगर मेरे देश में अगर आज ये स्थिति है कि हर व्यक्ति नाराज है, तो मैं इसके लिए सत्ता को भी जिम्मेदार मानती हूँ और विपक्ष को भी जिम्मेदार मानती हूँ। एक पलड़े पे मत रखिए इस बात को, एक पलड़े पे मत रखिए इस बात को। सत्ता जिम्मेदार होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि सत्ता पर बैठी है, अच्छा होगा बुरा होगा जिम्मेदार सत्ता होगी, बिल्कुल होगी। आपकी बात को मैं संवैधानिक रूप से समर्थन देती हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार होगी सत्ता पर बैठी है। विपक्ष की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्यादा को त्यागा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी मर्यादा त्याग दें। अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के झूठ बोल रहा है, आपके अनुसार वो झूठ बोल रहा है, तो आपके पास और भी बहुत से मौलिक अधिकार है उनसे सच निकलवाने के, ना कि उनको गाली गलौज कहिए आप। जी हम बिल्कुल जिम्मेदार विपक्ष की तरह, हम लोकतंत्र के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं उसके तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का काम करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस अधिकार का भी कुचलने का काम करती है। आप स्थिति देखिए, ये अपने मन की बात बताइए भाई, एक बात बताइए, आप अपने मन की बात कब तक सुनेंगे? जनता के मन की बात कब सुनेंगे? सुनेंगे किसानों के मन की बात कब सुनेंगे? युवाओं के मन की बात कब सुनेंगे? व्यापारी के मन की बात? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मन की बात सुनाना जानती है, जनता की बात। चलिए वक्त की कमी मेरे पास, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। विषय काफी गंभीर था, लेकिन एक तरीके से हर पैनलिस्ट ने स्वीकार किया कि संवैधानिकता के तौर पर
जो स्थिति अब है वो स्वीकार्य नहीं है, ना होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी किताब से कोई फ़ायदा लेते हैं, मैं संविधान की किताब की बात कर रही हूँ, आप संविधान की किताब से हमेशा फ़ायदा लेते हैं, तो याद रखिएगा कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको उस कुर्सी के साथ दिए गए हैं, उनका भी पालन करिए। लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में चल पाएगा। संडे डिबेट में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।